दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में आया विराट कोहली और रोहित शर्मा का तूफान। आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर रोहित शर्मा ने जिताया टीम इंडिया को मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे T20 मुकाबले से पहले खेले गए वार्म अप T20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का तूफान देखने को मिला। तो दोस्तों पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इन दोनों बल्लेबाजों ने किस तरीके से रन बनाए हैं। तो पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बेहतरीन T20 प्लेयर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों हम जानते हैं इस मुकाबले की शुरुआत से ही। तो दोस्तों इस मुकाबले में सिक्का उजाला रोहित शर्मा ने और टॉस भी उन्हीं ने जीता। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया साउथ अफ्रीका की टीम को। साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे क्यूटन डीकॉक और उनके साथ थे कप्तान तेम्बा बाउमा। आज के मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत काफ़ी शानदार हुई। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही संभल कर बल्लेबाजी की। पिछले मुकाबले में हुई गलतियां इस मुकाबले में नहीं दोहराई और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। इस दौरान पारी के तीसरे ओवर में क्यूटन डीकॉक ने शानदार 3 चौके जड़े तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर में एक और शानदार ओवर यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लिए रहा। इस ओवर में भी 12 रन साउथ अफ्रीका की टीम ने बटोरे जिसके चलते पावर प्ले में टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए 50 रन बना दिए। इस दौरान क्यूटन डीकॉक 30 रनों के स्कोर पर पहुंच गए तो वहीं पर 19 के स्कोर पर पहुंच गए थे टीम के कप्तान तेम्बा बाउमा। लेकिन इसके बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई अक्षर पटेल ने जिन्होंने तेम्बा बाउमा को बोल्ड करके पेवेलियन की राह दिखाई। तो वहीं पर इसके बाद क्यूटन डीकॉक को अगले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए दीपक चहर ने आउट किया। दीपक चहर ने तीसरे ओवर में अपनी पहली सफलता प्राप्त की थी। लेकिन दोस्तों यहां पर टीम के लिए इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा हेनरिक क्लासेन जिनको इस मुकाबले में मौका मिला था और डेविड मिलर के बीच काफ़ी शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई पार्टनरशिप ने टीम के स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया और टीम का स्कोर 189 रनों तक पहुँचा दिया 20 ओवर में। इस दौरान डेविड मिलर और हेनरिक क्लासेन दोनों ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। भारतीय टीम की तरफ से दीपक चहर को जहाँ एक विकेट मिला वहीं पर एक ही विकेट मिला अर्शदीप सिंह को, जबकि टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अक्षर पटेल की रही जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 17 रन देकर 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पेवेलियन की राह दिखाई थी। लेकिन बाकी गेंदबाज एक बार फिर उतना कुछ खास नहीं कर पाए जिसके चलते 189 रनों का स्कोर साउथ अफ्रीका की टीम ने खड़ा कर दिया। आखिरी ओवरों में भारतीय टीम के गेंदबाज थोड़े महंगे साबित रहे जिसके चलते यहाँ पर एक छोटा स्कोर बनाती हुई साउथ अफ्रीका की टीम नजर आ रही थी जिसने इस स्कोर को 189 रनों तक पहुँचा दिया। आखिरी 4 ओवर में 50 रन बटोरे थे साउथ अफ्रीका की टीम ने। हर्षल पटेल टीम इंडिया की तरफ से काफ़ी महंगे गेंदबाज साबित हुए इस मुकाबले में। लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल की गेंदबाजी काफ़ी किफ़ायती रही जिसके चलते यहां पर 200 से पार जाते हुए स्कोर को रोकने में कामयाब जरूर हुई टीम इंडिया। वहीं पर दोस्तों इस 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे KL राहुल और रोहित शर्मा। दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर टीम इंडिया के लिए भी संभल कर बल्लेबाजी करनी शुरू की। शुरुआती 2 ओवर में टीम इंडिया ने आक्रामक तेवर नहीं बताए और पहले ओवर में जहाँ 4 रन बने तो दूसरे ओवर में सिर्फ 5 ही रन बने। कंगिसो रबाडा और साथ ही वेनी फॉर्नेल ने दोनों ने काफ़ी शानदार ओवर डाले। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए कंगिसो रबाडा की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार छक्का जड़ दिया तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और छक्का लगाया KL राहुल ने और टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर के बाद 23 रन हो गया। वहीं पर चौथा ओवर डालने आए वेनी पार्नेल की पहली गेंद पर एक रन लिया रोहित शर्मा ने तो वहीं पर दूसरी गेंद पर शानदार चौका जमा दिया KL राहुल ने तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाया रोहित ने। तो लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ने पावर प्ले में तो यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए बगैर कोई विकेट गंवाए 55 रन बना लिए थे। लेकिन 7वें ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका KL राहुल के रूप में लगा। उनको कंगिसो रबाडा ने पेवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली आज के मुकाबले में कुछ अलग ही रंग में दिख रहे थे। रोहित शर्मा एक तरफ से पूरी तरह से सेट थे लेकिन यहाँ पर विराट कोहली ने जिस तरह की पारी खेली वो देखने लायक थी क्योंकि उन्होंने आते ही पहले ही चौके से अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने शुरुआती 10 गेंदों पर 30 रन बना दिए थे। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी के चलते रोहित शर्मा के ऊपर से दबाव हट गया लेकिन रोहित शर्मा ने पारी के 13वें ओवर में शानदार 2 छक्के जड़े तबरेज शम्सी के
और अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने अर्धशतक पूरा किया, जबकि टीम का ओवर 13 ओवर में 120 रन हो चुका था। अब 7 ओवर में टीम इंडिया को 70 रनों की जरूरत थी, लेकिन विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। उन्होंने मात्र 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अब ये साझेदारी शतकीय साझेदारी में तब्दील हो चुकी थी। टीम का स्कोर 160 रन हो चुका था एक विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा विराट कोहली के रूप में, जिन्होंने शानदार 65 रनों की पारी खेली। विराट कोहली आज कुछ अलग रंग में दिख रहे थे, जिसके चलते उन्होंने 33 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली। इस पारी में उनके बल्ले से 4 छक्के देखने को मिले, जबकि 4 ही बेहतरीन चौके उन्होंने लगाए थे। काफ़ी आक्रामक पारी खेलकर टीम इंडिया के ऊपर से दबाव हटा गए थे, क्योंकि 18 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 160 रन हो चुका था। लेकिन अभी भी टीम को जरूरत थी आखिरी 2 ओवर में 30 रनों की, लेकिन यहां पर स्ट्राइक पर थे रोहित शर्मा, जिन्होंने यहां पर 19वें ओवर में ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बटोर लिए। इस ओवर में उन्होंने एंड्रिक नोरकिया के 2 छक्के जबकि 2 चौके जड़कर 20 रन बटोरे। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर सिंगल ले लिया, जबकि अब जरूरत थी सिर्फ 9 रनों की और गेंदें बची हुई थी। 5 गेंदबाजी कर रहे थे कंगिसो रबाडा। पहले गेंद पर चौका लगाकर रोहित शर्मा ने अब टीम की जीत लगभग कर दी गई। वहीं पर इस ओवर की चौथी बॉल डॉट रही थी, जबकि 5वीं गेंद पर रोहित ने छक्का लगाकर मुकाबला जिता दिया। रोहित शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 90 रनों की पारी खेली। वहीं पर भारतीय टीम की यह जीत काफी शानदार रही, क्योंकि यह मुकाबला भी बेहद ही रोमांचक रहा। तो दोस्तों, इस मुकाबले में आपके हिसाब से टीम इंडिया की जीत का हीरो कौन है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।